प्रदूषण की विकराल स्थिति में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है। स्थिति नियंत्रण में आने तक बुजुर्गों बच्चों को खुले में व्यायाम न करने को भी कहा गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने देश की राजधानी दिल्ली को खतरे में डाल दिया है। दिल्ली की हवा में घुलते जहर से लोगों की सांसें उखड़ने लगी हैं। दम घोटती प्रदूषित हवाओं ने दिल्ली वासियों का जीना भी मुहाल कर दिया। कई इलाकों में हवा जहरीली हो गई है। AQI 500 से 700 के बीच पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेना दुभर हो गया। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा पंजाब सरकार को दोषी ठहराया है। हमने तो काफी कोशिश की है, आप लोग भी देख रहे हो कि पराली का जो वो है वो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस बार नंबर ऑफ फायर्स जो थे वो डबल हुए हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे मंत्रियों ने भी उनको चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले साल मैं मिलने भी गया था, आपने देखा था, कैप्टन साहब ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन खट्टर साहब से मैं मिला भी था, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि अगले साल तक बंद हो जाएगा, लेकिन इस बार तो और ज्यादा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़े प्रदूषण के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और कहा कि बड़े प्रदूषण के लिए सिर्फ पंजाब और हरियाणा पर दोष मढ़ना ठीक नहीं है। जावड़ेकर ने प्रदूषण के लिए दिल्ली को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केजरीवाल पर इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। वही पंजाब पर्यावरण के मुख्य सचिव RK वर्मा ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर क्या कुछ कहा वो सुनिए। पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर तरह के कदम लिए हैं, इसको पराली की जो जलाने का चैलेंज है उसको दूर करने के लिए। फ्यूचर में पंजाब सरकार का पूरा टारगेट है कि स्टबल बर्निंग पे पूरी तरह से रोक होनी चाहिए, और अब इस पिछले साल तक हमारा 50% से ज्यादा एरिया जो है बिना किसी इंसिडेंट के स्टबल बर्निंग से फ्री हो चुका है। 1300 गांव में पिछली बारी कोई भी आग किसी किसान ने नहीं लगाई थी, सो हमारा टारगेट है कि इसको अगले 2-3 साल में 100% इसको पूरा कर लिया जाए। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का असर दिल्ली पर भयानक तरीके से पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने की घटना में इस साल भी वृद्धि हुई है। सरकारी दावों के बाद भी पराली जलाने के विकल्प किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसका असर दिल्ली NCR की हवा पर हो रहा है। किसानों की माने तो पराली जलाने के स्थान पर मशीन का प्रयोग काफी महंगा विकल्प है। दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा हो गया है, जहां एक तरफ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए हरियाणा पंजाब सरकार को दोषी ठहराया, तो वहीं पंजाब पर्यावरण के अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।